मैं हूं आपका दोस्त चांद हसन और आप सीखने वाले आज BMW 310 पे विली G310 पे विली मतलब BMW की एंट्री लेवल बाइक है ये। 310 सीसी में गाड़ी आती है और सिंगल सिलेंडर सेगमेंट वाला BMW में अभी यही गाड़ी है या फिर इसका एक एडवेंचर में मॉडल आता है। तो इस पे आज हम विली सीखने वाले हैं, मतलब कि ना थोड़ी बहुत मैं आपको विली सिखा दूंगा कि इस गाड़ी पे कैसे करनी है। पहले ही बता दूं कि प्रोफेशनल तो मैं हूं नहीं, मतलब कि मैं भी आप ही की तरह बिगनर हूं, और अगर मैं भी बिगनर हूं, आप भी बिगनर हो, कोई बिगनर ही आपको विली सिखाएगा तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख जाओगे। एज अ प्रोफेशनल मतलब उससे इतना अच्छा नहीं सीख पाओगे जितना आप मुझसे सीख जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस पर हम विली करने वाले हैं, बाकी अब मिलते हैं आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे अपने, उस पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे विली करनी है और करके भी दिखाएंगे। और अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि विली पॉप कैसे करनी है। देखो तो सबसे मेन चीज़ पहले अपनी सीट पे पूरा पीछे हो जाओ, पिनियन की सीट पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सीट पे पूरा पीछे, बॉडी पोस्चर पूरा स्ट्रेट, बॉडी अपनी पूरी स्ट्रेट रखनी है, आगे वेट नहीं रखना, वेट बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा वेट रखेंगे। और एक बार टायर की थोड़ी सी ग्रिप अगर चेक करनी है तो कर लो, वैसे मैं करता हूँ कभी कभार। तो वेट पूरा पीछे और RPM जो ले जाएंगे हम 5 से 6 हज़ार के आसपास लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो अभी एक बार हल्की सी फर्स्ट गियर में विली पॉप कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट गियर में विली पॉप थी, ओवर हाइट नहीं थी, हाइट काफ़ी नीचे थी क्योंकि फर्स्ट टाइम विली मार रहे हो आप, मतलब आप तो फर्स्ट टाइम ही मारोगे ना BMW में जब मारोगे, या जो पहले मारता है तो वो हाइट ऊपर ले जा सकता है क्योंकि वो कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि हाइट ऊपर जाने के बाद गाड़ी इधर उधर जाएगी, भारी गाड़ी है आगे से, इसलिए गाड़ी इधर उधर जाएगी तो सीधी रखनी है गाड़ी, इसलिए पहले हम कम हाइट से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे करके हाइट बढ़ाएंगे। तो जैसे मैंने हल्की विली मारी ना, आपने क्या करना है कि कम से कम 15-20 बार वैसे विली मारनी है हल्की। तो एक बार दोबारा से हल्की विली मारते हैं और देखो जब हम 5-6 हज़ार RPM पे ले जा रहे हैं, हल्का सा पिछला ब्रेक मतलब 10-15% पिछला ब्रेक प्रेस कर लेना, और जब हम ये क्लच ऐसे छोड़ेंगे ना 5-6 हज़ार RPM पे क्लच ऐसे छोड़ेंगे, तो हम जब पीछे बैठे हैं बिल्कुल जब क्लच छोड़ रहे हैं तो हल्का सा हैंडल को अपनी साइड खींचना है। ये गलती मत करना कि आगे झुक गए और यूँ खींच रहे बॉडी से, नहीं, सिर्फ हल्का सा एकदम स्ट्रेट बैठ के हल्का सा हैंडल अपने हाथ से पीछे खींच लेना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सा हल्का सा खींचना है। तो एक बार हल्की सी विली फिर से पॉप कर लेते हैं। अब ऐसे ही होता है, जैसे ये गाड़ी राइट साइड गई ना, रोड भी टेढ़ा था तो थोड़ा उस वजह से भी ये बात हुई, इसीलिए मैं कह रहा था पहले हाइट जो है हम कम हाइट पे विली मारेंगे, ज़्यादा हाइट पे विली नहीं मारेंगे, और जब हमारा हाथ मतलब कि जब हम मेंटेन करनी सीख जाएंगे कम हाइट पे बाइक के, लेफ्ट राइट ना भागे एकदम स्ट्रेट चले, उसके बाद फिर हम थोड़ी ओवर हाइट ले जाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि थोड़ी सी हाइट बढ़ाएंगे जैसे कि ऐसे। तो ये गियर शिफ्टिंग होती है विली में, ओवर हाइट विली थी ये, ओवर हाइट मतलब कि हाइट लगभग गाड़ी की बोल सकते हैं 70-80% 70-80 डिग्री पे ये विली थी, 90 डिग्री विली नहीं थी, 90 डिग्री विली बिल्कुल भी नहीं हम अभी मार सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के लिए बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रिक्स लगती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ना कि जब इस हाइट पे हम विली ले जाएंगे, इस हाइट पे हमें बहुत बहुत ही ज़्यादा फोकस चाहिए अपना गाड़ी को लेके, क्योंकि गाड़ी जितनी ऊपर जाएगी आपकी क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गाड़ी की साइड उतनी बढ़ेंगी, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, कि जितनी गाड़ी हम हाइट में ले जाएंगे उतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी गाड़ी को लेके, कि गाड़ी इधर ना जाए उधर ना जाए, सबसे मेन चीज़ गाड़ी पीछे ना जाए। अब ब्रेकिंग का सीन क्या है कि अगर गाड़ी आपको लग रहा है ना कि ज़्यादा ओवर हाइट जा रही है, ओवर हाइट ज़्यादा जा रही है, ज़्यादा ऊपर जा रही है, आप संभाल नहीं पाओगे तो एकदम पिछला ब्रेक ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कर लेना, गाड़ी आगे गिर जाएगी, क्योंकि पिछला ब्रेक आप प्रेस करोगे गाड़ी का व्हील लॉक होएगा, गाड़ी आगे गिर जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर ओवर हाइट गई गलती से भी आपसे तो पिछला ब्रेक प्रेस करा और गाड़ी आगे गिर जाएगी, और आगे जब गिरेगी ना तो एक बार थोड़ा सा अगर चाहो तो आप सीट से ऊपर ऐसे उठ जाना हल्का सा, तो इससे आप बैलेंस बना लोगे गाड़ी गिरते टाइम, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ और बोलूँगा, जब गाड़ी नीचे गिर रही होगी तो फुल RPM दे देना गाड़ी का, RPM फुल दे देना,
उससे क्या होगा कि जो नीचे शॉकर जब टच होंगे ना तो एकदम झटके से टच नहीं होंगे गाड़ी पर, कोई आपको शॉक फील नहीं होगा, मतलब कि झटका फील नहीं होगा एकदम से ना, और बिल्कुल स्मूथली आपकी गाड़ी नीचे उतर जाएगी। तो एक बार फिर से विली ट्राई करते हैं। ये फर्स्ट गियर था, और फर्स्ट ईयर में विली थी इतनी हल्की विली, इतनी विली आपने मार के ट्राई करनी है कम से कम 25-30 बार, मैं तो कहूँगा कि एक हफ्ते इतनी ही विली को ट्राई करें, क्योंकि ओवरहाइट ले जाने की कोशिश मत करें। ओवरहाइट में ये मैं पहले बताता हूँ, BMW इसका टैंक का साइज़ देख सकते हो, बाकी बाइकों से ब्रॉड है, बड़ा है, तो ये लेफ्ट राइट भागती है ज़्यादा, ये थोड़ा सा इसके साथ इशू है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा पहले हल्की विली ट्राई करें, फिर थोड़ा बढ़े थोड़ा बढ़े थोड़ा बढ़े, उसके बाद लंबी विली खींचने के लिए, जैसे मैंने अभी लंबी विली विली मार के दिखाई थी कि विली हमारी लंबी गई, वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गियर शिफ्टिंग। तो गियर शिफ्टिंग के लिए भाई पंगा ऐसा है कि ना, जब हमारा टायर एक ऊपर हवा में होगा तो हमें सेकेंड गियर डालना है गाड़ी में। ये देखो, ये बिगनर्स के साथ होता है, गाड़ी ऐसे ऐसे लहरती है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ का ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा कि गाड़ी ऐसे ऐसे ना लहरे, और पहले तो आपने प्रैक्टिस करनी है कम हाइट पे, उसके बाद धीरे धीरे हाइट बढ़ानी है आपने।